आज गोपी और मीनू अपने मम्मी पापा से बताते हैं कि उनका आज उनके फ्रेंड के साथ मॉल में मूवी देखने जाने का प्लान है। मैं उन्हें मूवी दिखाऊंगी, इसके लिए हमें पैसे चाहिए। मम्मी गुस्सा हो जाती है। तुम क्यों सभी को मूवी दिखाओगे? तुम्हारे पापा के पास मुफ्त का पैसा है क्या? नहीं मम्मी, दीदी की फ्रेंड्स हमें नाश्ता करवाएंगी, बदले में दीदी उनको मूवी दिखाएंगी, बात सेम हो जाएगी। हाँ मम्मी, वैसे भी सब मुझे कंजूस कंजूस कहते हैं। ओके ओके, फ्रेंड्स ऐसे ही एंजॉय करते हैं, ये लो पैसे। गोपी मीनू मॉल में अपने दोस्तों से खुशी खुशी मिलते हैं। हाय, हेलो हेलो, सो लेट्स गो। जैसे कि डिसाइड हुआ था, पहले नाश्ता करते हैं फिर मूवी। ओके। वाओ, व्हाट अ बर्गर। मेरी फ्रेंड की भी बहुत टेस्टी है। मेरा मोमोज तो देखो, मेरा पिज्जा भी चखो, एक पीस। वाओ। मीनू तुम्हारी बारी है टिकट लेने की, याद है ना? हाँ हाँ। गोपी तुम्हारा नाश्ता हो गया, ये बचा हुआ बर्गर खाते जाओ और हम सबकी 6 टिकट ले आओ। ओके। यूं गया और यूं लेकर आया। यहाँ गोपी टिकट विंडो पर पहुँच कर कहता है, अंकल 6 टिकट्स देना। 1800 रुपीज। हाँ हाँ, 2000 का नोट दे रहा हूँ। अरे मेरा 2000 का नोट कहाँ गया? इस जेब में तो रखा था, शायद इस जेब में होगा। हाँ, इसमें भी नहीं है, तो कहाँ गया? कहीं गिर तो नहीं गया? अरे हाँ याद आया, पापा ने पैसे दिए थे तब मैंने ब्लैक पैंट पहन रखी थी, आने के वक्त ये ब्लू पहन ली, पैसे ब्लैक वाली पैंट की जेब में ही रह गए। बाप रे, अब दीदी का क्या होगा, वो तो मुझे डांटेंगी। और वो चुपचाप वहाँ से वापस आकर कुछ दूर से मीनू को अपने पास आने का इशारा करता है। मीनू के आने पर जैसे वो उसे बताता है, मीनू भड़क जाती है। ओफो, ये क्या किया तुमने? अगर ऐसे ही करना था तो जब पापा ने पैसे दिए थे तभी मुझे दे देने चाहिए थे। मुझे क्या पता था दीदी ऐसा हो जाएगा। वैसे ही मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कंजूस कंजूस कहती थी, अब कोई बिलीव ही नहीं करेगा, सभी समझेंगे मुझे टिकट ना निकालना पड़े, इसीलिए मैं बहाने कर रही हूँ। सॉरी दीदी। सॉरी से क्या होगा, जा आज से तू मेरा भाई नहीं, रक्षाबंधन पर भी मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। इतनी सी बात के लिए भाई को राखी नहीं बांधूंगी, इतना गुस्सा। पापा आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी मम्मी कपड़े धोने जा रही थी तो देखा मूवी के पैसे तो गोपी के पेंट में घर पर ही रह गए, तो मम्मी ने कहा अभी के अभी जाओ और मेरी लाडली को दे आओ, बस मैं आ गया। ओह थैंक यू पापा, थैंक यू, आज आपने मेरी इंसल्ट होने से बचा ली। नेवर माइंड बच्चों, जाओ फ्रेंड्स के साथ मूवी एंजॉय करो। ओ पापा यू आर ग्रेट। मीनू के साथ एक दिन गोपी स्कूल से रोता हुआ लौटता है, जहां बंगले के गार्डन में पापा काम कर रहे थे। उसे रोता हुआ देख पापा टेंशन में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटे? अरे क्या हुआ बेटे, कुछ बताओगे? पापा आज स्कूल में टीचर ने इसे मुर्गा बना दिया। क्यों? अरे तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया पापा, फिर भी उन्होंने मुझे मुर्गा बना दिया। है? ऐसे कैसे? पापा टीचर ने जो जो करने को कहा था सब भैया ने किया। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ पापा, टीचर ने डिक्टेशन कंपटीशन के बारे में बताया, मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है ही, मैं डिक्टेशन कंपटीशन की तैयारी में लग गया, तभी ड्राइंग कंपटीशन आ गया। ओह फिर? फिर क्या, मेरा तो ड्राइंग देखा है आपने कितना अच्छा है, सिर्फ नाक बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, मैं नाक बनाने की ड्राइंग प्रैक्टिस में लग गया, तभी रनिंग कंपटीशन आ गया। तो? मैंने सोचा रनिंग की प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, मैं उसकी तैयारी में लग गया, यहाँ तक कि मैं रनिंग करता हुआ स्कूल जाता, रनिंग करता हुआ स्कूल से घर आता, रिसेस में भी मैं रनिंग करते हुए सूसू करने जाता, इतनी प्रैक्टिस कर रहा था कि निशानेबाजी का कंपटीशन आ गया। ओह यानी और एक कंपटीशन? हाँ पापा, और आपने तो देखा है टेरिफिक निशाना लेते हुए मैं गिल्ली मारता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करके मैं कंपटीशन जीत सकता था, मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। वेरी गुड, फिर? फिर क्या, आज सारे कंपटीशन थे, सब में भैया का नाम था पर भैया सब में हार गए,
तो गुस्से में टीचर ने इन्हें मुर्गा बना दिया। अब बताओ पापा, इसमें मेरा क्या कसूर था? लो, क्या इनका कसूर नहीं था पापा? तुम्हारा ही कसूर था। मेरा क्या कसूर था? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, आप ही बताओ पापा, इसमें मेरा क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था बेटा, मेरा बेटा मीनू जैसा थोड़ी ना है। अब देख, मेरा बेटा कितनी होशियारी से काम करता है। ले तो गोपी, ये आम की गुठली वहाँ गाड़ दे। वेरी गुड, चलो अब फ्रेश होकर नाश्ता कर लेते हैं। तुम्हारी मम्मी ने बहुत ही अच्छी डिश बनाई है तुम्हारे पसंद की। और वे जाकर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर भर पेट नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी उठते हैं तो पापा कहते हैं, गोपी बेटा, तुमने गार्डन में गुठली गाड़ी थी, जाओ देखकर आओ उसमें आम निकला या नहीं। पापा, इतनी जल्दी आम कहाँ से निकलेगा, अभी कुछ देर पहले ही तो हमने गुठली गाड़ी थी। ठीक है, तो थोड़ी देर और रुक कर देखा ना। और आधे घंटे बाद फिर पापा ने कहा, गोपी बेटा, अब तो काफी देर हो गई गुठली गाड़े, देखो आम निकला या नहीं। अब ये मत कहना अभी गाड़ा तभी गाड़ा, हाँ गाड़ने को तो काफी देर हो गया है, जाओ देख कर आओ। सुनकर गोपी इरिटेट होकर पापा की ओर देखता है, जानता है कि आम नहीं निकला होगा, फिर भी बिना मूड के गार्डन तक जाता है, गुठली की जगह देखता है और वापस आता है तो पापा उसे देखते ही पूछते हैं, आम निकला? पापा, आप आम निकलने की बात कर रहे हैं, गुठली से तो अभी पौधा भी नहीं निकला। क्या बात कर रहे हो, लगता है कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उस गुठली को निकाल कर किसी और जगह गाड़ दो। पापा की बात सुनकर गोपी को गुस्सा बहुत आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। जाकर गुठली निकालता है और उसे कुछ दूरी पर गाड़ देता है। इस बात को अभी 2 घंटे ही होते हैं, वो टीवी देख रहा होता है, तभी पापा आते हुए कहते हैं, गोपी बेटा जाओ देख कर आओ तो, इस बार उस गुठली में जरूर आम आ गए होंगे, फिर मैं तुम दोनों को मैंगो जूस बनाकर पिलाता हूँ। जाओ मीनू, तुम भी आम लेकर आने में गोपी की मदद करो। अरे यार पापा, अरे यहाँ तो गड्ढा खुदा हुआ है, गुठली कहाँ गई? अरे पापा ने यहाँ से गुठली निकाल कर वहाँ लगवा दी थी, जगह बदलवा दी थी। ओ, पर वहाँ भी तो गुठली से पौधा नहीं निकला है, आम कहाँ से ले जाएं? वहीं तो यार, एक तो स्कूल में टीचर ने मुर्गे बनाकर मूड खराब कर दिया था, यहाँ पापा भी मुझे बकरा बनाकर बार बार यहाँ फालतू में दौड़ा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी कहीं पौधा उगता है क्या? वो कहते हैं ना, लगता है पापा सठिया गए हैं। दोनों के वापस आते ही पापा पूछते हैं, अरे तुम दोनों खाली हाथ लौटे, आम कहाँ है? वहाँ आम तो दूर पापा, आम का पौधा तक नहीं निकला अभी। कमाल है, गुठली की जगह बदलने के बाद भी अभी तक आम का पौधा नहीं निकला। एक काम करते हैं, गुठली की जगह नहीं, इस बार गुठली ही बदल कर नई गुठली गाड़ देते हैं, फटाक से पौधा भी निकलेगा और आम भी होगा। ये सुनकर इस बार गोपी अपना आपा खो देता है, चिढ़कर गुस्से में कहता है, ओफो पापा, अब कैसी बात कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी आपको ये पता नहीं है कि कोई भी बीज गुठली डालने के बाद उसमें पौधा फिर फल निकलने में टाइम लगता है, बार बार गुठली या जगह बदलने से नहीं, टाइम टू टाइम अच्छे से खाद पानी देते रहने से और इंतजार करने के बाद कहीं जाकर फल मिलता है। बेटे, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम कोई कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हो फिर तुरंत सोचते हो इसमें फायदा नहीं है, चलो दूसरे की तैयारी करते हैं, उसके कंपटीशन का इंतजार भी नहीं करते हो कि तीसरे की तैयारी करने लगते हो, जबकि तुम्हें चाहिए कि किसी एक पर मेहनत करके उसके कंपटीशन होने का इंतजार करो, फिर देखो कैसे उसमें सक्सेसफुल मिलता है या नहीं। अब बताओ इसमें किसकी गलती थी, तुम्हारी या टीचर की? सॉरी पापा, मैं समझ गया, इसमें मेरी ही गलती थी, हम बच्चे हो या बड़े, उन्हें अपने काम पर पूरा फोकस होकर उसे टाइम देकर इंतजार करना चाहिए, हमें सफलता जरूर मिलती है।